गाइस फाइनली टाटा ने रिवील कर दिया है अपना मोस्ट अवेटेड माइक्रो एसयूवी जिसका नाम है टाटा पंच। टाटा पंच को डिजाइन किया गया है अल्फा आर्किटेक्चर के ऊपर विच इज सिमिलर टू द आर्किटेक्चर ऑफ अल्ट्रोज। टाटा पंच का फ्रंट डिजाइन इंस्पायर्ड है टाटा हेरियर से। गाइस बेसिकली टाटा पंच के लुक्स को आप देखेंगे तो लगेगा कि टाटा जो हेरियर है उसको जिप करके एक माइक्रो एसयूवी का डिजाइन दिया गया है जो देखने में आगे से बहुत मस्कुलर लगता है। अगर बात करेंगे टाटा पंच के आउटर प्रोफाइल की तो गाइज यहाँ पे आपको फ्रंट में मिलने वाला है हेवी बम्पर लुक का डिजाइन जो कि बहुत ही शानदार है दिखने में, और प्रोजेक्टर हेडलैम्प और जो फॉग लैम्प है वो हेलोजन ही मिलने वाला है। गाड़ी के मॉडल को सबसे पहले रिवील किया गया था ऑटो एक्सपो 2020 में जिसका नाम था HBX। प्रेजेंट जो प्रोडक्शन मॉडल है वो 90% सिमिलर होगा HBX से। गाइज पंच को लॉन्च करने वाले है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में और इसका कोई डीजल वर्जन नहीं होगा। टाटा पंच अपने सेगमेंट में एक यूनिक कार होने वाली है गाइज इन रेस्पेक्ट टू इस मॉडल, इट्स प्राइस एंड इट्स डिजाइन। जैसे कि गाइज मैंने पहले भी बोला है कि पंच को डिजाइन किया गया है अल्फा आर्किटेक्चर के ऊपर, तो इंडियन मार्केट पे इसको भी एनकैप रेटिंग 5 स्टार ही मिलने वाला है। पंच का जो साइज है गाइज वो नेक्सन से छोटा होगा लेकिन इंटीरियर विल बी मोर स्पेशियस एंड मोर कम्फर्टेबल। जो इंटीरियर फीचर है वो मोस्टली अल्ट्रोज और नेक्सन के फीचर्स के ऊपर बेस्ड होगा। गाइस सबसे ज्यादा एट्रैक्टिव पॉइंट है कि इसका प्राइस जो कि 6 लाख से शुरू होगा जो कि इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही कम्पिटिटिव होने वाला है। प्राइस, सेफ्टी और फीचर के बेसिस पे हम बोलेंगे तो जो टाटा पंच है वो ज़्यादा बेटर होने वाली है इग्निस और KUV100 से। टाटा मोटर्स पंच को लॉन्च करने जा रही है 2 वर्जन में, मैनुअल और ऑटोमेटिक। और अगर माइलेज की बात करेंगे तो गाइज यहाँ पे 20 to 21 KMPL का माइलेज एम किया जा सकता है। टाटा पंच के फ्रंट लुक को रिवील किया है अभी ऑफिशियली टाटा मोटर्स ने, लेकिन जो रियर लुक है वो अभी तक रिवील नहीं किया है। बट मोस्टली गाइज जो प्रोडक्शन मॉडल है मतलब टाटा पंच है वो मोस्ट सिमिलर होने वाला है जो कॉन्सेप्ट मॉडल था HBX उसके तरह। मतलब गाइज जो रियर प्रोफाइल है वो भी HBX की तरह ही होने के चांसेस है। टाटा पंच में आपको 90° वाइड ओपन डोर्स मिल सकता है अल्ट्रोज की तरह। रियर प्रोफाइल में गाइज जो टेल लैम्प है वो आपको LED टी शेप टेल लैम्प मिलने वाला है। पंच में आपको ड्यूअल टून मशीन कट एलॉय व्हील प्रोवाइड किया जाएगा जिसका साइज 16 इंचेस होगा। दैट मींस पंच का जो फ्रंट और रियर लुक्स है वो बहुत ही एट्रैक्टिव और प्रीमियम होने वाला है। अभी तक टाटा के जो इमेजेस रिवील हुए हैं पंच के बारे में उसको देख के इंटीरियर जो है उसमें आपको जो जो फीचर्स मिलने वाला है उसमें है फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग, 7 इंच टच स्क्रीन जो कि सिमिलर टू नेक्सॉन और अल्ट्रोज होने वाला है, सिंगल ग्लव बॉक्स मिलने वाला है, रेक्टेंगुलर शेप्ड AC वेंट्स भी मिलने वाले हैं, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, हाइट एडजस्टेबल सीट तो ऑब्वियसली होगा, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलने वाला है गाइस जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है। पंच का जो रियर डोर ओपनिंग हैंडल है वो अल्ट्रोज की तरह ही माउंटेड रहेगा रियर डोर के ऊपर, और जो साइड क्लेडिंग है वो सिमिलर टू नेक्सॉन ही होने वाला है, और ORVM आपको मिलने वाला है ड्यूअल टोन में विद LED इंडिकेटर। ये गाड़ी ड्यूअल कलर टोन में भी अवेलेबल हो सकती है, और टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह ORVM आपको मिलने वाला है ऑटो फोल्डेबल और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। है हार्बन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम विद 8 स्पीकर्स। टाटा पंच के जो की है वो डिफरेंट हो सकता है और आपको इसमें कीलेस एंट्री और पुश स्टार्ट बटन मिल सकता है। टाटा पंच के बारे में बात करेंगे तो ये एक जबरदस्त पैकेज होने वाला है विद लो बजट जो कि श्योरली इंडियन कार मार्केट में रॉक करने वाला है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।